खरगोन शहर के न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप नगर पालिका, बैंक, एक्सीडेंट, बिजली विभाग सहित कई लंबित दावों पर चर्चा परिचर्चा हुई और आपसी सुलह से समस्या का निराकरण किया गया। इस दौरान ग्राम डोंगर गाँव में गत एक वर्ष से अलग रह रहे पति पत्नी के बीच आपसी सुलह हुई, जिसमें बेटी आरती की कोशिश ने माता पिता को एक कर दिया। आपको बता दें कि मनीषा का पति सेवकराम स्कूल में चपरासी होकर दांपत्य जीवन से 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 साल से वेतन न मिलने की बात पर मतभेद हुआ, जिसे बेटी आरती की कोशिशों ने सुलह की राह पर लाकर छोड़ दिया। बहरहाल पति पत्नी के बीच सुलह करा के बेटी ने एक महत्वपूर्ण मिसाल पेश की जो तारीफ के काबिल है। भारतीय न्यूज के लिए रजाक खान की रिपोर्ट। अच्छा महसूस कर रहा हूं और मैंने मेरे पापा को समझाने की वजह से समझाया माता और पिता को, और फिर उन्होंने साथ में रहने के बारे में बताया। तो कब से आए थे? साल भर। आपको कैसा लग रहा था जब आप लोग अलग थे? अच्छा नहीं लगा। फिर क्या किया आपने? समझाने की कोशिश। मान गए फिर? हाँ। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा। कितने भाई बहन हैं आप? 5। लड़की कितनी है? 5 लड़कियां। कहाँ रहते हैं आप? डोंगर गाँव। घर पे बच्चों के कारण, बच्चों ने हमको मिलवाया। क्या कारण क्या था कि आप अलग हो गए थे? घर में थोड़ी सी अनबन हो गई थी और बच्चे भी। पैसे वैसे नहीं, छोटे छोटे बालक थे। कितने थे बालक बच्चे आपके? 5। तो कारण क्या था अलग होने का? एक पापा नौकरी से। नौकरी थी? सस्पेंड हो गए। अलग क्यों हो गए थे? वो तो चांद देते थे। किस वजह से एक हुए आप? हाँ। आज आप मिले, किस वजह से मिले आप? पैसे आप देते हैं? पैसे कि मनीषा ने दावा लगाया था उसके पति सेवकराम के खिलाफ, जिनकी 5 पुत्रियां हैं, विगत एक महीने से अपने माता पिता के डोंगर गांव निवास कर रही थी। पश्चात आज न्यायालय में दोनों को समझाई दी मजिस्ट्रेट लोगों के द्वारा, जिसमें आज ये दोनों 5 पुत्रियों सहित अपने ससुराल जा रही है। कितने पुराना मामला है ये? 1 साल पुराना, पिछले साल 17-12 को इन्होंने आवेदन लगाया, 17-12-19 को। कारण क्या था इनका अलग होने का? ये बच्चों के ऊपर से थोड़ी बहुत इनके वैचारिक मतभेद हो गए थे, इस कारण वो अपने मायके रह रही थी और आवेदी का विकलांग है वैसे, और उसकी पुत्री आरती ने इनको बहुत समझाया और इनके खातिर ही अपना परिवार बसा रहे। क्या नाम है आपका? Subscribe now to most exciting channel ever.